वेलकम टू द मूवीज ब्लास्टर। तो गाइज, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी मूवीज लाए हैं जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर और मैजिक्स देखने को मिलेगा। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। नंबर 6 पे आती है एक बहुत ही डरावनी फिल्म जिसका नाम है आईटी चैप्टर 2। ये मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी को IMDB पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। जैसे कि आईटी चैप्टर 1 में हमें देखने को मिला था कि पेनीवाइज को वो सारे बच्चे मिलकर उसी ही कुएं के अंदर वापस भेज देते हैं जहाँ से वो आया था, लेकिन वो अब 27 साल के बाद दोबारा वापस आता है और बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। जिन बच्चों ने पेनीवाइज को पहले हराया था, अब वो 27 साल के बाद बड़े हो चुके हैं और वो फिर से मिलकर उस पेनीवाइज को हराना चाहते हैं। तो गाइस, अब ये देखना है कि ये लोग पेनीवाइज को हरा पाते हैं या नहीं। ये जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। नंबर 5 पे आती है नेक्स्ट लेवल की साइंस फिक्शन मूवी। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDB पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी शुरू होती है डगलस के ऊपर, जो कि एक एजेंट होता है। उसके माइंड के अंदर एक फेक मेमोरी इम्पोर्ट करा दी जाती है जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि वो आखिर है कौन, और उसकी पुरानी यादों के सपने उसे बहुत तंग करते हैं और आगे का सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। नंबर 4 पे एक फैमिली फैंटेसी पे बेस्ड मूवी जिसका नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2013 में और इस मूवी को IMDB पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो कहानी शुरू होती है ओज की, जो कि एक छोटा जादूगर होता है और वो सर्कस में छोटा मोटा जादू दिखाकर लोगों को एंटरटेन करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ओज एक टूर्नाडो के अंदर फंसकर एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ के लोग इसको मसीहा मानते हैं, मतलब के बचाने वाला, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर विचेस यानी चुड़ैलें उनके ऊपर अटैक करते रहते थे। क्या ओज उनको बचा पाता है या नहीं, आगे इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे है एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। इस मूवी को रिलीज किया था 2016 में और इस मूवी को IMDB पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो गाइस, ये एक एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है विलियम और उसके फ्रेंड के ऊपर, जो के चले जाते हैं एक ऐसे किंगडम के अंदर। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ के लोगों के ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। उस किंगडम की बेहतरीन चीज होती है ग्रेट वॉल यानी उनकी दीवारें। ये वॉल्स बहुत ज्यादा मजबूत और बड़े होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये ग्रेट वॉल की दीवारों को भी क्रॉस करने लगते हैं। नंबर 2 पे है किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। ये मूवी आई थी 2017 में। इस मूवी को IMDB पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। साथ ही गूगल ने 86% की लाइक्स भी दी है इस फिल्म को। इस फिल्म की कहानी बेस्ड है किंग्समैन के ऊपर, जिनके हेडक्वार्टर को कुछ माफिया उड़ा देते हैं यानी के बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। उनका हेडक्वार्टर बर्बाद हो जाता है जिसकी वजह से किंग्समैन को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर कुछ अलग ही होने वाला है। ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना होगा। नंबर 1 मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। ये मूवी आई थी 2015 में और इस फिल्म को IMDB वालों ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है हमारे फ्यूचर के ऊपर, जहां पर न्यूक्लियर अटैक की वजह से पूरी जमीन बंजर बन चुकी है और ना ही इंसानों के लिए कुछ खाने लायक और कुछ पीने लायक बचता है। इस बंजर जमीन के ऊपर बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। यहां पर जिसके पास पानी होता है वो राजा होता है, लेकिन यहां हर किसी के पास पानी नहीं होता है। और अब मैक्स जो एक सर्वाइवर होता है, वो इस रेगिस्तान के राजा को मारकर लोगों की हेल्प करना चाहता है। तो आगे चलकर इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल के सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही बेहतरीन एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये थी आज की कुछ मूवीज जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिक्स और साइंस फिक्शन देखने को मिला है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हिम्मत मिले कुछ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी बेहतरीन एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन मूवीज के साथ।